प्यारे बुजुर्गों, माताओं, हम जब भी अपनी ओर ध्यान देते हैं तो बहुत सी बार हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी सुखी कैसे हो। जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम जी रहे हैं उसको हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हर एक इंसान चाहता है उसकी जिंदगी प्रेम से गुजरे, उसकी जिंदगी में हलचल ना हो, वो आनंद की अवस्था में रहे। इसीलिए जब बाहर की चीजें जिनको हम हर समय अपने अंग संग पाते हैं, जब वहां कुछ चीजें अच्छी हो रही होती हैं तो हमें लगता है सब चीजें ठीक हैं। अगर हम मौसम की ओर देखें, जब बहुत सर्दी हो तो उस समय किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो सब लोग खुश होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लगता है कि फिजा में फूल महकने शुरू होंगे, सुगंध भी बेटर होगी। वो समय है जबकि होली मनाई जाती है और एक प्यार का फेस्टिवल, एक रंगों का फेस्टिवल। और ऐसे ही जब गर्मी बहुत हो जाती है, उसके बाद जब सावन ऋतु आती है, बारिश पड़ती है, तो फिर एकदम से ठंडक सी आ जाती है और हर एक चीज़ हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे हम देखते हैं कि दिवाली के समय पर भी बाहर की चीज़ें हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। कई लोग तो नई नई चीज़ें खरीदते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, रोशनी जलाते हैं और घरों को भी लाइट अप करते हैं, तो लगता है कि जैसे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन ये समय चंद दिनों के बाद फिर बदल से जाते हैं। तो ख्याल इंसान के अंदर जरूर आना शुरू हो जाता है कि क्या ऐसे समय हो सकता है जहाँ के सदा सदा का आनंद हो, जबकि हम सुख चैन की जिंदगी जिए और हर पर हर क्षण खुशी से भरपूर रहे। संदर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है। वो हमें अपनी टीचिंग्स के जरिए समझाते हैं कि ऐसे क्षण हम सबकी जिंदगी में जरूर आ सकते हैं। तो वो क्षण कैसे हमारी जिंदगी में आए, ये सन्मत का रास्ता है। ये बार बार हमें समझाता है कि सदा सदा का आनंद बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया से मिलेगा। ये रास्ता में समझाता है कि पिता परमेश्वर हम सबसे दूर नहीं, हमसे बाहर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। और जब हमारे कदम अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं तो फिर खुशियों से इंसान भरपूर हो जाता है। अगर प्रभु को पाना है तो ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना होगा। यही बार 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 हमें समझाया जाता है। अंदर की दुनिया असल की दुनिया है, अंदर की दुनिया जगमग जगमग है, जागृत है। अंदर की दुनिया उन खुशियों से भरपूर है जिनका कोई अंत नहीं।
जो असीम है, जो सदा सदा के लिए रहती हैं, और अंदर की दुनिया में हम सब जा सकते हैं, ये महापुरुष में बार बार समझाते चले आए हैं। अब अंदर की दुनिया में जाएं कैसे? वो खुशी का आलम जो सदा सदा रहे उसे पाएं कैसे? तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक जगह फरमा रहे हैं कि चला है मेरी तरफ लेके जामे मुलसा की, कि चला है मेरी तरफ लेके जामे मुलसा की, चिराग शाम बहारा है जिंदगी मेरी। समझा रहे हैं कि मैं सत्संग के अरीना में पहुंचा, हम अपने सदगुरु के दर्शन सत्संग में करते हैं, तो जब मैं उनके अंग संग पहुंचा तो उनके फिजिकल प्रेजेंस से जो रूहानी किरणें हैं वो मेरी ओर आई, कि चला है मेरी तरफ लेके जामे मुलसा की, कि जो रूहानी शराब है उसका जाम भरा हुआ मेरी तरफ मेरे सदगुरु लेके आए, उनकी आंखों से मेरी आंखों में, उनके दिल से मेरे दिल में, उनकी रूह से मेरी रूह की गहराई तक प्रभु की रूहानी किरणें पहुंची, प्रभु की रूहानी शराब मेरी आत्मा के रोम रोम में समा गई और मैं खुशी से भरपूर हो गया, और मेरी जिंदगी चरागे शामे बहारा है जिंदगी मेरी। कि जब बहार का मौसम आता है, शाम के समय में जब चिराग जलाया जाता है, कि खुशी से इंसान भरपूर, जबकि समय बसंत का हो, बहार का हो, खुशी का मौका हो, तो वहां पर जब रोशनी जगती है तो अंधेरा दूर होता है। तो ऐसे ही जब मेरे सदगुरु से मेरी और प्रभु के प्रेम की किरणें आई, तो फिर उन्होंने मन माया के पर्दे जो मेरी आत्मा पर पड़े हुए थे उन्हें दूर कर दिया। जो सन्मत का रास्ता है ये बहुत ही सीधा साधा और सिंपल है। इसमें अगर देखें तो जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जिसे ध्यान टिकाने का रास्ता कहा जाता है, मेडिटेशन का रास्ता कहा जाता है, उसकी जो टेक्निक है बहुत ही आसान और सिंपल है। सबसे पहले हमें सिमरन करना है, शरीर को शांत करना है। शरीर को शांत करना मुश्किल नहीं, क्योंकि कोई भी एक शांत जगह ढूंढने बैठ जाए तो शरीर शांत बहुत आसानी से हो जाता है। वो जो पहला स्टेप है शरीर को शांत करना, वो तो बहुत आसान है। जो मन को शांत करना है वो मुश्किल काम है, उसके लिए हम सिमरन करते हैं, क्योंकि जैसी आंखें बंद करके बैठते हैं मन कोई ना कोई विचार हमें भेज देता है। तो सबसे पहले मन को शांत करना होगा, उसके लिए सिमरन करते हैं। सिमरन करते हैं तो हमारा ध्यान टिकना शुरू हो जाता है। ध्यान जो कि आत्मा का भारी रूप है, जिसे सूरत भी कहा गया, जब वो टिकती है, जब ध्यान टिकता है, तो फिर बाहर की दुनिया की किसी चीज का हम पर असर नहीं होता। हम फिर जो तीसरा हिस्सा है अभ्यास का, हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। प्रभु के शब्द के दो रूप हैं, एक ज्योति और एक श्रुति, एक लाइट और एक साउंड। उन दोनों का अभ्यास हम कर सकते हैं, और जैसे ही प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं तो
तो फिर जो प्रभु का शब्द है जिसे नूर कहा गया है, जिसे कलमा कहा गया है, जिसे ज्योति और श्रुति कहा गया है, जिसे अनहशब कहा गया है, होली वर्ड कहा गया है, जब इसके साथ हम जुड़ते हैं तो फिर रूह में ताकत आनी शुरू होती है। वो आत्मा जो लाखों करोड़ों सालों से प्रभु से अलग है, जब उसमें शब्द आना शुरू होता है, उससे जब वो जुड़ती है, क्योंकि शब्द तो हर समय हमारे अंदर चल रहा है, लेकिन कमजोरी हमारी, हम उससे जुड़ नहीं पाते। जब हम उससे जुड़ते हैं तो फिर हमारी रूह में ताकत आनी शुरू होती है और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम अपने आप को फिर शारीरिक रूप में नहीं, आत्मिक रूप में पाते हैं, और फिर हमारी आत्मा की उड़ान अंदर की दुनिया में होनी शुरू हो जाती है। वो स्टेट जहां पर के आत्मा अपने आप को रूह समझना शुरू होती है, जबकि आत्मा अपने आप को उस अवस्था में पाती है जिसमें के सूरत कहा गया है, जिसमें के हम अपने आप को जो ध्यान है उसकी असलियत की गहराई तक पहुंचाते हैं। असलियत में क्या है, जब उस अवस्था में पहुंचते हैं तो फिर हमें न बाहर की आंखों की जरूरत है, न हाथों की जरूरत है, न जुबान की जरूरत है, क्योंकि प्रभु से जो हमने कम्युनिकेट करना है, जो प्रभु से मुलाकात है, उसके लिए सिर्फ प्रेम की भाषा ही हमें चाहिए। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस स्टेट के बारे में कहा है कि जब आत्मा प्रभु के प्रेम के रंग में रंगी जाती है तो उसकी हालत क्या होती है। तो फरमाया कि बगैर आंख के देख उसके जलवाजारों को, उसमें भारी आंखों की जरूरत नहीं होती। ये भारी आंखें तो सिर्फ बाहर की दुनिया देखने के लिए हैं। दर्शन सिंह जी महाराज उस स्टेट की बात कर रहे हैं, उस अवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें हम शरीर से ऊपर उठ गए, ध्यान बाहर से हटके अंदर की ओर लग गया। तो फरमा रहे कि बगैर आंख के देख उसके जलवादारों को, के इन आंखों से नहीं, ये जो अंदरूनी आंख है इससे जो प्रभु के रंग रूप हैं जो हमारे अंदर खुलने शुरू हो जाते हैं, प्रभु की दया में से, हमारे सदगुरु की दया में से, उनको हम देखें, उनको जाने, उनको पहचाने, इस अवस्था में हम पहुंचते हैं कि बगैर आंख के देख उसके जलवादारों को, बगैर कान के सुन उसकी गैबाना सदा। बाहर तो कुछ भी सुनने के लिए कान की वर्किंग ठीक होनी चाहिए, लेकिन अंदर की आवाज, अंदर का शब्द सुनने के लिए भारी कानों की जरूरत नहीं है। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि उस अवस्था में हम पहुंचे जिसमें इन कानों से नहीं, लेकिन अंदरूनी कान से हम प्रभु के शब्द को सुने। और आगे क्या फरमा रहे हैं कि बगैर पांव के चल उसकी राह गुजारों में। अब बाहर की दुनिया में तो पांवों के जरिए हम इधर से उधर जाते हैं, और घर से, अपने बेडरूम से अगर किचन में जाना है तो आप पांवों का इस्तेमाल करते हैं। घर से बाहर निकलते हैं, घर से स्कूल में जाना है तो भी पांव की जरूरत है, घर से आपने ऑफिस में जाना है तो भी पांवों की जरूरत है। ये पैर हैं जिसके जरिए हम चलते हैं, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो फरमा रहे कि बगैर पांव के चल उसकी राह गुजारों, कि प्रभु के रास्ते में इन पैरों की जरूरत नहीं, क्योंकि
ये जमीन पे चलने वाला रास्ता नहीं तो उड़ान का रास्ता है, ये रूह की उड़ान का रास्ता है। और पिता परमेश्वर को पाने के लिए कोई पैरों की जरूरत नहीं कि हम सोचे कि यहां से हम चल के किसी धर्म स्थान पर पहुंचेंगे, किसी तीर्थ स्थान पर पहुंचेंगे तो प्रभु को पा लेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अगर प्रभु को पाना है तो इन पैरों की जरूरत नहीं, हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है और हम वहां बढ़ सकते हैं कि बगैर पांव के चल उसकी राय गुजारों में, बगैर हाथ के हर काम कर उसी के लिए। अब दिन भर इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है, घर में होंगे तो हाथों से चपाती बनाएंगे, सब्जी काटेंगे, कुछ और काम करेंगे, ऑफिस में होंगे तो लिखर पढ़र का काम हाथों से करेंगे। हाथों का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाए के हाथों की जरूरत नहीं, करें बगैर हाथ के हर काम कर उसी के लिए। कि जो प्रभु का काम है वो क्या है, प्रभु को पाना। तो प्रभु को पाने के लिए क्या करना है, हाथों से ये तो नहीं चिट्ठी लिखनी है पिता परमेश्वर आपकी दया दृष्टि मेरे पर रहे, या प्रार्थना लिख दे इंसान। तो प्रभु का काम जो है वो है कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो, और उसको करने के लिए करना क्या है, प्रेम का रास्ता इख्तियार करना है, प्रभु से प्रेम हो और फिर आत्मा को उड़ान देनी है, अंदर की दुनिया में बढ़ना है। तो इसलिए फरमा रहे कि बगैर हाथ के हर काम कर उसी के लिए, कि ध्यान पूरा पिता परमेश्वर में हो, सभी कार्य उनके लिए होगा। अगर ध्यान दुनिया की चीजों में चला गया तो फिर तो काम हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, जिसे हम सोचते हैं हम अपने लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिसने आत्मा के लिए काम किया उसी की तरक्की होगी, वही सदा सदा का सुख चैन पाएगा, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। और आगे फरमा रहे हैं कि बगैर हर्फ ज़बां उससे गुफ्तगू कर लें। हम सब तो एक दूसरे बहुत बातचीत करना चाहते हैं ताकि मालूम हो कि क्या हो रहा है, किसने क्या किया, कहाँ गया, किससे मिला, तो सब की हमें जानकारी चाहिए। तो इंसान वो जानकारी कैसे, जबान से बातें करके पाता है, चाहे आमने सामने हो चाहे टेलीफोन से हो, जानकारी हम पाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो यहां संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि बगैर हर्फ ज़बां उससे गुफ्तगू कर ले, कि प्रभु से हम बातचीत कर सकते हैं। गुफ्तगू मतलब है बातचीत करना, कि पिता परमेश्वर से हम बातचीत कर सकते हैं, उसके लिए जबान की जरूरत नहीं। जरूरत क्या है, कि प्रभु के लिए हमारे अंदर प्रेम हो। जरूरत यह है कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। जरूरत यह है कि हम ध्यान दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में करें, हम अभ्यास करें, हम साधना करें, हम मेडिटेशन करें। जब करेंगे तो फिर प्रभु के शब्द को हम सुनने के लायक हो जाएंगे, प्रभु की ज्योति के हम दर्शन करने के लायक होंगे।